हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से ड्यू जेमोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम समझेंगे कि हीरे को हथौड़े से तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता। आपने सुना होगा कि डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, इसको हथौड़े से अगर तोड़ा जाए तो टूटता नहीं। कई यूट्यूब पे इस टॉपिक पे वीडियोज भी हैं, यहां तक तो बॉलीवुड में इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज भी बनाए गए हैं, मूवीज क्लिप्स भी हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक 20 सेकंड का वीडियो है, पहले उसे देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास कैसे? कैसे नहीं, क्यों? ये मेरे पास क्यों? ये चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों? असली कोहिनूर कहाँ है? ये नकली था? असली होता तो हथौड़ा टूट जाता, हीरा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा कि डैनी साहब, उनके पास एक पत्थर है और कैटरीना कैफ को बोलते हैं कि अगर ये हीरा होता तो टूटता नहीं, बल्कि ये हथौड़ा टूट जाता पर हीरा नहीं टूटता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, हीरा टूट जाता है। इस वीडियो के चक्कर में बिल्कुल जाके अपने टेस्ट मत कीजिएगा कि हीरा है कि नहीं। देखने के लिए हीरा रखा और हथौड़े से आपने स्ट्राइक कर दिया, टूट गया तो हीरा नहीं और नहीं टूटा तो हीरा है। बिल्कुल नहीं, हीरा टूटता है। जी हाँ, हीरा टूट जाता है। अगर ये सच्ची घटना होती तो हमारे लैब में इतने सारे ज्वेलरीज आते हैं, हर 100 में से करीब 5 ज्वेलरी में टूटे हुए हीरे निकलते ही हैं। हम उनको निशान लगा देते हैं और बोलते हैं जी ये टूटे हुए हीरे चेंज करा दीजिए, टूटे हुए हीरे रिपोर्ट नहीं बन सकते, ज्वेलरी में टूटे हुए डायमंड्स अलाउड नहीं है। तो हीरा अगर सचमुच में नहीं टूटता तो फिर ये घटना क्यों होती? तो हीरा टूटता है, पहली बात। तो फिर हीरा सबसे हार्ड कैसे हुआ? अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, डायमंड तो शीशे को भी काटता है, हर चीज को काट देता है, तो फिर टूटता क्यों नहीं? शब्दों में कंफ्यूजन है, हार्डनेस और टफनेस। इस वीडियो में हम यही समझेंगे हार्डनेस और टफनेस में अंतर क्या है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल बट नॉट द टफेस्ट मिनरल। जी हां, हार्डनेस शब्द का मतलब है हीरे का ना घिसना या किसी भी पत्थर का ना घिसना। मतलब आपको समझा दूं, जो पत्थर ज्यादा हार्ड है इसका मतलब क्या है, उसको घिसा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, उस पर खरोचे नहीं डाला जा सकता। और जो पत्थर ज्यादा टफ है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, या वो झटका सहन कर लेगा, ब्लो सहन कर लेगा। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। पहले हार्डनेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर मोह, उन्होंने एक स्केल बनाया। उस स्केल में उन्होंने 10 स्टोन्स रखे, जिसमें से एक नंबर में रखा टैग, जिसे हम पाउडर बोलते हैं, दो नंबर में रखा जिप्सम, जिसको आप मान सकते हैं चौक। चौक की हार्डनेस कैसी होती है, आप उंगलियों से भी उसे खरोच कर सकते हैं चौक को। तीन नंबर में कैल्साइट, कैल्साइट की हार्डनेस होती है बहुत कम, इसे भी आप उंगलियों से अगर हल्का सा खरोच करें, थोड़ा दबा के, तो ये भी इसमें भी खरोचे पड़ जाएंगे। फिर चार नंबर में एक स्टोन है, पांच नंबर में एपेटाइट है, 6, 7, 8, 9 नंबर में कोरंडम ग्रुप, इसमें आते हैं रूबी सफायर, नीलम, पुखराज, माणक, ये पत्थर। और 10 नंबर में आते हैं हीरा। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा नियम बनाया। क्या बनाया? कि जो भी पत्थर इन 10 में से जिस किसी भी हार्डनेस को बिलोंग करते हैं, वो खुद को या फिर उसी हार्डनेस वाले दूसरे पत्थर को घिस सकते हैं, खरोच कर सकते हैं, काट सकते हैं, और फिर अपने नीचे वाले पत्थरों को भी काट सकते हैं, घिस सकते हैं, लेकिन अपने से ऊपर वाले पत्थरों को स्क्रैच नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 5 नंबर स्टोन एपेटाइट। अब एपेटाइट क्या कर सकता है, दूसरे एपेटाइट्स को वो काट सकता है, घिस सकता है, 4, 3, 2, 1, इन सबको कर सकता है, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 इनको एपेटाइट नहीं घिस सकता, नहीं काट सकता। फिर एग्जांपल लेते हैं रूबी। रूबी किस में आता है? 9 नंबर में। और डायमंड किस में आता है? 10 नंबर में। तो अगर मैं रूबी और डायमंड को दोनों को आपस में घिसूं तो रूबी घिस जाएगा पर डायमंड में खरोच भी नहीं आएगा। और आपको एक बात और बता दूं
ये जो हार्डनेस स्केल आप देख रहे हैं यहां पे साइड में, ये यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कि एक और दो नंबर में जितनी दूरी है, जितने हार्डनेस का अंतर है, दो और तीन में एग्जैक्ट उतना अंतर नहीं है, तीन चार में एग्जैक्ट उतना अंतर नहीं है। तो फिर क्या है, आप इस ग्राफ को देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये इसमें इतना अंतर है, लेकिन डायमंड यहां पे, जी हां यहां पे इतना ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा हार्ड है हीरा, रूबी के मुकाबले 140 गुना ज्यादा हार्ड होता है हीरा। मैंने खुद हीरा घिसाया, मुझे पता है, अगर चाल सही ना हो घिसते वक्त तो वो जो स्केफ है जो लोहे और डायमंड पाउडर से बनता है वो घिस के हीरे पे चिपक जाता है, हीरे पे खरोच भी नहीं आता, इतना ज्यादा हार्ड होता है हीरा। तो ये है हार्डनेस, इसीलिए हीरे की जो हार्डनेस है वो 10 नंबर है, आपको पता ही है। तो हीरा किसी भी पत्थर को, किसी भी चीज को घिस सकता है, पर हीरे को घिसने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हीरे को सिर्फ हीरा काट सकता है। आज आपको इसका राज भी मालूम पड़ा कि ये कहावत भी कहां से आया कि हीरे को सिर्फ हीरा काट सकता है, क्योंकि हीरे की हार्डनेस 10 है और 10 से ज्यादा हार्डनेस किसी की नहीं है, किसी मिनरल की नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं टफनेस को। टफनेस शब्द का मतलब है ना टूटना, या इतनी मजबूती कि ब्लो या झटका सहन कर सके। हीरा टफ होता है और नहीं भी होता है, अब ये क्या चक्कर हो गया। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने पे मैंने कुल्हाड़ी रखा और यूं स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, इस पेड़ को मैं दो टुकड़े में बांट सकता हूं। इसको बोलते हैं क्लीविंग, या चीर देना, क्लीव करना या चीर देना। तो ये जो डायरेक्शन है इसे कहते हैं क्लीविंग डायरेक्शन। इस हिस्से में मैं हीरे को चीर सकता हूं, जैसे कि ये सज्जन कर रहे हैं, अब इस इमेज में देख रहे हैं, ये हीरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, ब्लेड रख के उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी पेड़ के तने को मैं लेटा दूं इस डायरेक्शन में, और मैं यहां पे कुल्हाड़ी रखते, अब मैं स्ट्राइक करता हूं, क्या लगता है, क्या इस बार भी मैं हीरे को चीर सकता हूं? नहीं ना, क्योंकि अभी मैं इस पेड़ के अगेंस्ट जो ग्रेन स्ट्रक्चर है इसके परपेंडिकुलर वार कर रहा हूं। ये डायरेक्शन को बोलते हैं स्वाइंग डायरेक्शन। स्वाइंग, स्वा शब्द का मतलब क्या हो गया, काटना, और क्लीव का मतलब चीरना। तो आपको पता ही है पेड़ों में भी ऐसे ही होता है, पौधों में, जैसे गन्ना मान लीजिए, गन्ने को एक तरफ से तब चीर सकते हैं, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में आपसे चीर नहीं सकते, आपको काटना पड़ेगा। यही चीज हीरे में भी होता है, इसके भी ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनते हैं, क्लीविंग डायरेक्शन, स्वाइंग डायरेक्शन। तो इस पेड़ के ऊपर ये जो पेड़ का तना है, इस पर अगर मैं इस डायरेक्शन से वार करूंगा तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन लेटा के अगर मैं वार करता हूं तो नहीं तोड़ सकता, यही हीरे में भी होता है। तो अगर किसी, चाहे गलती से हो या जानबूझ के भी हो, अगर आपने क्लीविंग डायरेक्शन पे वार किया, ब्लो किया, झटका दिया, तो हीरा टूट जाएगा, बड़ा नरम होता है, इजीली टूट जाता है। और लेकिन अगर आपने इसका स्वाइंग डायरेक्शन पे वार किया तो हीरा नहीं टूटेगा, ये झटका आराम से सहन कर लेगा। इसीलिए हमें कैसे पता लगा कि हीरे को मैं क्लीविंग डायरेक्शन पे वार कर रहा हूं कि स्वाइंग डायरेक्शन पे, नहीं कर सकते ना हम। तो हीरे पे ये हैमर टेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, हीरा झटका सहन कर सकता है लेकिन हमें नहीं पता किस डायरेक्शन से। और यही गलती कारीगरों से भी होती है कई बार, जो डायमंड सेट करते हैं, एक इंक्लूजन है जिसका नाम है क्लीवेज। तो अगर डायमंड में क्लीवेज है जो कई बार नहीं भी दिखता है, और वहां पे कारीगर ने गलती से दबाव डाल दिया, तो हीरा दो टुकड़ों में आराम से स्प्लिट हो जाता है, बहुत इजीली, कारीगर को भी नहीं पता लग पाता कि कैसे हीरा टूट गया। हमें लगता है हीरा बहुत साफ है, इसमें तो कोई इंक्लूजन नहीं है, इसमें फेदर्स नहीं है, इसमें क्रैक नहीं है, लेकिन कई बार बहुत हल्का क्लीवेज होता है, हीरा टूट जाता है। तो अभी दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या समझा, हार्डनेस और टफनेस। हार्डनेस मतलब हीरा घिसेगा नहीं, और टफनेस मतलब हीरा टूटेगा नहीं, कहां से, स्वाइंग डायरेक्शन से, और क्लीविंग डायरेक्शन में टूट सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायमंड एजुकेशन देता हूं, पर लैब सर्विसेज भी देता हूं, कंसल्टेंसी करता हूं और डायमंड की प्राइसिंग पर रिसर्च करता हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर बनता है, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और जैसे ये वीडियो एंड होगा, इसके बाद आपको चार ऑप्शन और मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियोज के लिए, उनको देखिए जरूर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।